के संदर्भ में सवार करती है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने कई जनपदों में फ्रॉड करने वाली एक कंपनी जिसका नाम स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना मई 2022 में हुई थी और उसकी संस्थापक जो है वो मिस आफरीन बानो और उसके दो साथी आर अंसारी और जी अली, इन तीन लोगों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने एक स्कीम के तहत शुरू में 765 रुपया एक रजिस्ट्रेशन फीस रखा था, जिसके माध्यम से कोई भी महिला इस संस्था की सदस्य बन सकती थी। उसके बाद में उन्होंने उनको बताया कि आपको 2 घंटे काम करने पर 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसका अमाउंट बाद में बढ़ा के 4500 रुपये कर दिया गया और इस तरह कुल 35,000 महिलाएँ इनसे जुड़ी। और इन्होंने मई महीने से लेके अगस्त तक इन्होंने पेमेंट किया है उनका, और उसके बाद में अगस्त से लेकर नवंबर महीने तक उन्होंने किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं किया और ये कंपनी यहाँ से भाग गई। यहाँ पे प्रीति सिंह नाम की महिला जिससे सभी महिलाएं जुड़ी थी, उनकी तहरीर के आधार पर शुरू में 406 का मुकदमा लिखा गया और उसके बाद में थाना राजघाट पुलिस धरपकड़ आफरीन बानो के बारे में जारी थी। कल सूचना के आधार पर फिर आफरीन बानो को गिरफ्तार किया गया है और उसने अपनी इस पूरी स्कीम के बारे में बताया है। इस प्रकार उन्होंने करोड़ों रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लिए हैं और उससे भी ज़्यादा अमाउंट है जो इन्होंने कई लोगों का अभी तक पेमेंट नहीं किया है। रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे, उनके सारे खाते हैं वो सीज किए जाएंगे और एक गैंग बना के कार्य करते थे, उन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी ये आफरीन बानो गिरफ्तार हुई है, उसके अन्य साथियों की भी गिरफ्तार की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। टोटल ठगी ये 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी है, क्योंकि इन्होंने ना तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो रिटर्न किया है, ना ही इन्होंने लोगों का जो मजदूरी है ना ही उसका पेमेंट। थैंक यू।